पांच साल तक जिस नाम की राहुल गांधी महाराज थे, अचानक उस नाम पर राहुल की चुप्पी का मोदी ने एक ऐसा कनेक्शन जोड़ा कि राहुल समेत पूरी कांग्रेस की नींद उड़ गई। मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में हजारों लोगों के सामने कांग्रेस से सवाल पूछा कि आखिर अडानी और अंबानी का नाम लेने वाले राहुल ने चुनाव के समय नाम लेना बंद क्यों कर दिया। कि राहुल देश को बताएंगे कि कांग्रेस ने अडानी अंबानी से चुनाव के लिए कितना पैसा लिया। नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना, अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी। और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं। आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं। मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं। आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। पांच साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। तीसरे चरण के बाद चुनाव में एक नए मुद्दे ने एंट्री मारी है। ये ऐसा मुद्दा है जो आस्तीन चढ़ाकर मंच से मोदी पर हमला करने वाले राहुल गांधी की बोलती बंद करने वाला है। भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी पर बीजेपी को घेरने वाले राहुल की ऐसी नब्ज पर मोदी ने हाथ रखा है जो जितना दबेगी उतने बार विपक्ष को सियासी स्ट्रोक देगी। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा वे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। सुना आपने देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? मोदी ने कहा कि चुनाव में अडानी अंबानी से कितना माल उठाया। मोदी यही नहीं रुके, मोदी ने शहजादे की चुनावी दाल को काला तक बता दिया। जरूर दाल में कुछ काला है, पांच साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराज, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। राहुल गांधी के भाषणों का जुमला था अदानी अंबानी। राहुल ने जितनी बार भी देश की सरकार पर सवाल उठाए उसमें अदानी या अंबानी का नाम ना आया हो ऐसा कम ही देखने को मिला है। अपनी पहली न्याय यात्रा से लौटकर जब राहुल गांधी संसद पहुंचे, उस दिन भी वो खुद को अडानी अंबानी कहने से रोक नहीं पाए। अच्छा, एक और चीज हमें बताई गई, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो दो तीन सवाल पूछते थे। मोदी के खिलाफ अडानी अंबानी को अस्त्र की तरह यूज करने वाले राहुल ने इस भाषण में तकरीबन 60 बार अडानी का नाम लिया। तेलंगाना के करीमनगर की रैली में मोदी ने राहुल की इसी रट पर न सिर्फ
हमला बोला बल्कि सवाल खड़े कर राहुल समेत पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति 5 उद्योगपति 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। 5 साल से मोदी ने जो कहा उसमें सच तो है। राहुल ने हर मौके पर अडानी और अंबानी को लाया। बीते 5 सालों में राहुल ने सुबह से शाम तक एक ही एजेंडे पर काम किया और वो था अडानी अंबानी का एजेंडा। कि देश के धन को अडानी जी को दिलवा दो। पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण किया, मैंने प्रधानमंत्री से पूछा आपका अडानी जी से रिश्ता क्या है। मोदी जी ने जैसे अडानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अडानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन अब राहुल से मोदी सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि अडानी अंबानी पर राहुल चुप क्यों है? अडानी को गाली देना राहुल ने क्यों बंद कर दिया? राहुल का काले धन से क्या कनेक्शन है? कांग्रेस ने अडानी अंबानी से कितना पैसा लिया? अडानी अंबानी से कांग्रेस का क्या सौदा हुआ? जरा ये साझा दे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिला राज, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। आपको याद होगा चुनाव से पहले पूरी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला था और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया था कि मोदी और मोदी की बीजेपी ने उनके खाते फ्रीज कर दिए हैं और कहा था कि हमें इस देश की 20% आबादी वोट देती है लेकिन वो 2 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। चुनाव आते ही चुप्पी का कनेक्शन चुनावी फंडिंग से जुड़ा है। कांग्रेस के पास टिकट के पैसे नहीं थे, उस कांग्रेस के नेताओं के पास नोटों के बंडल निकल रहे हैं। वो कांग्रेस चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, धमाकेदार यात्रा से लेकर रैली और रोड शो कर रही है। ये सब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।